हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यानी अगर आप मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के हैं तो आपके पर्सन या पार्टनर जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और यहाँ मैं कार शफल करूँगी, आप चाहें तो कार की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। फर्स्ट टैरो डेक के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेकर काफ़ी लविंग फीलिंग्स यहाँ रख रहे हैं। वुमन होल्डिंग ए हार्ट एनर्जी आई है, काफ़ी लविंग और रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में ऐसा आया है 44 नंबर है, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और काफ़ी आपके लिए कह सकते हैं डीप लव है उनके अंदर और दिल खुला रखा है उन्होंने, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी डीप और इंटेंस लेवल का लव लग रहा है आप लोगों के लिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ये लग रहा है। आपके हैं कि काफ़ी लविंग और रोमांटिक फीलिंग्स वो रख रहे हैं इस वक्त, ऐसा उनके लिए लग रहा है। 44 नंबर ये बता रहा है कि आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और वहीं नेक्स्ट कार्ड आया है डॉट टू रोमांस, तो जी वो आपके साथ काफ़ी कह सकते हैं कि रोमांटिक लाइफ बिताने के सपने देख रहे हैं या चाहते हैं आपसे मिलना, बातें करना, मुलाकातें करना और काफ़ी अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ आपको यूनिवर्स वो मौका भी देने वाला है, यहाँ डोर ओपन हो रहे हैं तो ये आपके लिए हो भी पाएगा। अगेन मास्टर नंबर आया है 33 नंबर डिवाइनली गाइडेड हैं फ्रेंड्स आप, और ऐसा बहुत जल्द होगा। अगर नो कॉन्टेक्ट में हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, रोमांस के डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। अगर नो कॉन्टेक्ट में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो बहुत जल्द आपके पर्सन आप तक आएंगे। और वैसे अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है तो काफ़ी रोमांटिक और लवी डवी मोमेंट्स आपके बीच में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी डीप लेवल का यहाँ लव फील करते हुए लग रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है। मास्टर नंबर्स आ रहे हैं 44, 33 जो इस बात का इंडिकेशन है। पर आपके लिए यह है कि कुछ लोगों की जेलेसी भी आप लोगों के लिए आई है, डिसिट का कार्ड है और कुछ कपल्स के लिए ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई, आपके पर्सन जो थे उन्होंने जो कुछ चीज़ें आपसे सच नहीं कही और या कह सकते हैं कि कुछ दोहराव या छुपाव आपसे रखा गया। रिश्ते में थोड़ी सी आपके साथ चीटिंग भी हुई हो सकती है कुछ लोगों के साथ और इस चीज़ को लेकर थोड़ा आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो सकती है और ये किसी और पर्सन की वजह से भी हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में हो सकती है। और इसी वजह से आप काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं और सोच रहे हैं इस रिश्ते का किस तरह से आगे क्या फ्यूचर होगा। पर यहाँ पे आपके लिए 25 नंबर आया है, 2+5 7 होता है, तो मिरेकल नंबर है 7 नंबर। डिवाइनली गाइडेड है आपका रिश्ता, चाहे लोग कितनी भी परेशानियाँ क्रिएट करें, थर्ड पार्टी हो या सिचुएशंस कैसी भी हो, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, ब्लेस्ड हैं। और अगर आपको कुछ पता चला है, कुछ आपको जैसा आप लोगों के रिश्ते में कुछ अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं तो उसको लेकर भी आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलेगी। और 25 नंबर ये श्योरिटी दे रहा है आपको कि आप बहुत जल्द सिचुएशंस को क्लियरली देख पाएंगे अपने लिए। और जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए एक्शन का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे फ्रेंड्स। ये एक एडल्ट लव की बात भी करता है ये कार्ड, तो काफ़ी डीप रोमांटिक लविंग फीलिंग्स यहाँ उनकी दिख रही है, काफ़ी ओवरली पैशनेट एनर्जी उनकी दिख रही है। आप तक आना चाहते हैं और काफ़ी कुछ शेयर करना चाहते हैं, काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहा है आपका रिलेशनशिप या बात उतनी नहीं हो रही है जितना आप एक्सेप्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, तो एक्शन लेंगे आपके फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो हैं वो एक्शन लेते हुए यहाँ दिख रहे हैं। और
अगर कुछ दिक्कत है आपके रिश्ते में तो बहुत जल्द वो ठीक होने के काफ़ी चांसेस हैं। 1-7 नंबर आया है, अगेन 1+7 8 होता है, जस्टिस होगा फ्रेंड्स आपके साथ। यहाँ टैरो डेक से भी काफ़ी एनर्जीज हमारे पास आई है, जैसा आपके लिए डेविल कार्ड आया है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में बहुत लस्टफुल वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, ओवरली पैशनेट एनर्जी है। अगेन काफ़ी फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। डेविल एनर्जी कैप्रिकॉन को भी बताता है, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन एनर्जी मकर राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, और ये उनकी पैशनेट एनर्जी को यहाँ दिखा रहा है। काफ़ी वो लव से ज़्यादा लस्टफुल आपके लिए फील कर रहे हैं, काफ़ी आपसे आकर्षित हैं वो, और दिन भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और डेविल कार्ड ये भी बताता है कि हेल्दी लव की जगह वो कह सकते हैं कि आपका आपको वो एक आपके लिए काफ़ी एडिक्टेड भी फील करते हैं उनको, आपको लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, कुछ कपल्स के लिए, सभी के लिए नहीं होगा। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोगों के पर्सन जो हैं वो कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहे हैं कि आपके पर्सन की थोड़ी सी कंट्रोलिंग नेचर यहाँ दिख रही है, और वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और थोड़ा जेलेसी और इनसिक्योरिटी भी उनकी यहाँ दिख रही है। उनको अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और से बात करें या किसी और को वैल्यूएशन दें उनके सामने या वैसे भी, और काफ़ी आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उन्हीं के रहें। और काफ़ी डीप लेवल का अट्रैक्शन भी यहाँ दिख रहा है, और यानी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और वहीं आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस, तो हाई प्रिस्टेस की तरह आपको देख रहे हैं, चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, आपको एक काफ़ी खूबसूरत इंसान की तरह देखते हैं वो, उन्हें लगता है आप काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन हैं, ब्यूटीफुल पर्सन हैं आप, चाहे गर्ल हैं या बॉय हैं, और काफ़ी समझदार हैं आप, और काफ़ी हाई मॉरल वैल्यूज़ वाला भी वो आपको मानते हैं। और एक हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत कार्ड माना जाता है टैरो डेक में, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन, दिल से आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और एक समझदार इंसान की तरह आपको यहाँ देख रहे हैं, और काफ़ी कह सकते हैं कि एक लव होने के साथ साथ उनके मन में आपके लिए काफ़ी इज्जत भी यहाँ दिख रही है। और वहीं आपको आपके पर्सन जो हैं वो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके पर्सन हो सकते हैं, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, और काफ़ी कह सकते हैं आपको स्वीट मानते हैं, यंगर लुकिंग मानते हैं, उन्हें लगता है आप काफ़ी खूबसूरत इंसान हैं, और आपके साथ उनका इनर चाइल्ड भी हील होता है। यहाँ पेंटिकल्स एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो ये सोचते हैं कि आपका फोकस अभी अपने कैरियर पर है, अपने वर्क पर है, और ऐसा भी वो सोच रहे हैं, साथ ही में वो आपको काफ़ी क्यूट स्वीट गुड लुकिंग पर्सन की तरह देख रहे हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी आपको देखते हैं, और काफ़ी पैशन है उनको, अगेन वही चीज़ दिख रही है, और आपके लुक्स से बहुत अट्रैक्टेड हैं, और अगेन वो आपको लवर के साथ साथ एक फ्रेंड के रूप में भी देख रहे हैं, एक अच्छे फ्रेंड के रूप में भी आपको देखते हैं और मानते हैं, इसी तरह की एनर्जीज यहाँ आई है। और जजमेंट कार्ड आया है तो कुछ कपल्स के बीच में यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, सबके लिए नहीं होगा पर कुछ कपल्स के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या रिश्ता भी काफ़ी ख़राब फेज से गुजरा है, यानी आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं कुछ कपल्स, क्योंकि जजमेंट कार्ड तभी आता है जब कुछ गलत हुआ है, या तो आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या अभी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या रिश्ते में कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हुए हो सकते हैं, पर यहाँ जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि उनकी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो आपको न्याय देना चाहते हैं वो, और कुछ हुआ है उनसे कुछ गलत, और उस न्याय देने की प्रोसीजर में आपको यूनिवर्स भी काफ़ी हेल्प कर रहा है, या कहें कि डिवाइन हेल्प भी आपको काफ़ी मिलेगी, और एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है आपके फेवर में, यानी अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या बात ही नहीं हो रही, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो बहुत जल्द कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, या एक फेवरेबल आपके लिए कुछ इवेंट हो सकता है बहुत जल्द आए, क्योंकि ये उनकी करंट फीलिंग्स में आया है, तो बात करेंगे फ्रेंड्स आपसे, या हो सकता है कांटेक्ट आपसे करें वो फिर से, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है, कुछ सकारात्मक बदलाव आपके लिए होगा, और उसकी घोषणा भी बहुत बड़े लेवल पे होगी। जजमेंट कार्ड यही बताता है कि आपके साथ जस्टिस होने के यहाँ काफ़ी संभावना दिख रही है, न्याय होगा आपके साथ। और सन कार्ड आया है जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो डेक में,
आपके लिए अगर रिश्ते में अगर आप जैसा देख रहे हैं कुछ अप डाउंस, जैसे वो आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनके एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, काफ़ी गुस्से भरे भी आप लोगों के बीच में बाकी हुए हो सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई कि उनके गुस्से, एंगर इश्यूज़ या लस्टफुल बिहेव की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए, या थर्ड पार्टी भी अगर आप लोगों के बीच में थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था आपके लिए, तो वो बहुत जल्द दूर होगा क्योंकि सन कार्ड आया है। सन पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है और एक नए तरीके से रिश्ते की फिर से शुरुआत हो सकती है आपके लिए। एक्शन लेने के काफ़ी चांसेस है, जैसा एनर्जी ओरेकल डेक से भी एक्शन कार्ड आया था हमारे पास और सन कार्ड आया है, तो बहुत जल्द आप लोगों के रिश्ते में फिर से कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है और रिकवरी होगी, बात हो सकती है आपकी अगर नो कॉन्टेक्ट में है। और ये है कि आपका रिश्ता एक स्टेप आगे जाए, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, और जो भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम आपके बीच में रहा है, तो बहुत जल्द रिमूव होगा आप लोगों के लिए, बहुत जल्द दिक्कतें आपके लिए ख़त्म होती हुई दिख रही है। और एनर्जी ओरेकल डेक से हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ यहाँ लायन स्पिरिट आप देख रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी आत्मविश्वास के साथ इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ भी वही है कि एंजल ब्लेसिंग है आपके साथ, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। बहुत जल्द आपके पर्सन आप तक आएँ और काफ़ी अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, जैसे और यहाँ गाइडेंस कार्ड से हमें आया है ब्लेसिंग का कार्ड है, तो ब्लेसिंग्स आ रही है फ्रेंड्स आपके लिए। और जो मैसेज है, यूज़ योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड, जी, और जो डीप मैसेज है वो भी मैं पढ़ देती हूँ। योर गाइडेंस इज़ टू ब्लेस एवरीवन यू मीट टुडे, ब्लेसिंग साइलेंट और अलाउड, अलाउ अ डिवाइन लाइट टू फ्लो फ्रॉम यू टू अदर्स, वेदर फ्रेंड्स, एनिमीज और स्ट्रेंजर्स, दिस टच देम विथ लव एंड हेल्प टू ओपन अप Dear heart, bless food, water, animals and trees, knowing that you are lighting up the world around you. Remember all you give out return to you multiplied. She, यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारी blessings आ रही है, और ये blessings आपके लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके person की current feelings क्या हैं, और guidance card आया है blessing का, तो universe भी आपको bless करने को तैयार है। आपके जो अच्छे कर्मा हैं, आप जिस तरह से अपने friends को, अपने relatives को, या जो भी आपसे मिलते हैं उनको आप जिस तरह से treat करते हैं, आपका जो अच्छा nature है और आपके जो अच्छे कर्मा हैं, उसका अच्छा प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा इन नियर फ्यूचर। और वहीं बॉटम डेक की एनर्जी आई थी हमारे पास, वुमन होल्डिंग कॉइन एनर्जी आई थी हमारे पास, तो आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते को आगे लेकर जाने का, उनका काफ़ी प्लान यहाँ दिख रहा है और चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर भी देख रहे हैं वो। और यहाँ बॉटम डेक की एनर्जी टैरो डेक से आई है हमारे पास स्ट्रेंथ की, जैसा हमारे पास एनर्जी ओरेकल डेक से भी स्ट्रेंथ कार्ड आया था और यहाँ पे भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आए थे और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो ये है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी वाइसली और हिम्मत से डिसीजंस लेने को तैयार यहाँ दिख रहे हैं, और काफ़ी पावर आएगी उनमें आपके रिश्ते को आगे लेके जाने की, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत जल्द रिमूव होंगे। स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी को भी दिखाता है स्ट्रेंथ कार्ड, तो सिंह राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ रिश्ते को आगे लेकर जाने को तैयार यहाँ दिख रहे हैं। और हम देख रहे हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। इट्स टुक मी मच टाइम टू रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग, जी आपके पर्सन यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें बहुत समय लगा ये जानने में कि वो गलत थे, पर अब वो जैसा जान गए हैं। और आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, जी आपके पर्सन आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा मैसेज आया है उनकी तरफ से। यू हैव नो आइडिया हाउ फास्ट माई हार्ट बीट्स वैन आई सी यू, जी जब भी आपके पर्सन या पार्टनर आपको देखते हैं उनका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है, ऐसा मैसेज आया है आपके लिए। और आई स्टिल लव यू एंड केयर फॉर यू, जी आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत परवाह करते हैं। और The way you walk, talk, smile melt my heart. जी जिस तरह से आप चलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, आपके पर्सन को आपकी ये सारी क्वालिटीज़ बहुत पसंद है। You can listen to me with a smile. जी ये भी मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। और Please remain open to me. एक मैसेज और ले लेते हैं। I miss
एवरीथिंग अबाउट यू, विल यू कम बैक? जी, आपके पर्सन यहाँ कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और क्या आप वापस आएंगे, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। तो यही सब मैसेजेस थे आपके लिए और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।